जी ये जो इसका फ्रूट है बेसिकली ये एक एक रूट है, ठीक है ना, तो हम वो स्टेम की तरह दिखती है पर है रूट, तो वो बड़ी डिलीशियस होती है खाने में, इंडिजिनस सिंधी प्रोडक्ट है। अभी थोड़ा आगे आएंगे तो देखेंगे ये पानी के ऊपर सब मर्ज उसके पत्ते नज़र आ रहे हैं, इसको अंग्रेज़ी में लोटस कहते हैं, सिंधी में बह कहते हैं, ठीक है, और हम अपने टिपिकल लैंग्वेज में बीह कहते हैं, बीह। तो ये अभी निकाल रहा है, इसकी रूट निकाल रहा है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे सिंध में बड़ी बेहतरीन इसकी काश्तकारी होती है। उसके अलावा जापान के लोग भी इसको ज़्यादातर खाते हैं और एज ए चिप्स भी उसको इस्तेमाल कर फ्राई करके खाते हैं, जापान के लोगों में भी ये इसका पाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और सिंध में तो ये बहुत पुरानी है। ये इसको निकालने का प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, और ये देखें ये है बे, ये स्टेम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ये देखो इसको रूट हेयर्स भी हैं, ठीक है, अगर यहाँ से बड निकलती तो ये स्टेम हो जाती, पर इसको बड नहीं है, और ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये इंडिजिनस हमारे प्रोडक्ट है, जैसे हम वेजिटेबल करके इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब ये इतनी फेमस है लाड़काना में और दादू में और शिकारपुर तक इसकी बड़ी मशहूरी है कि तकरीबन मार्केट में 200 से 250 रुपए किलो तक भी जाती है, और इसका हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप होता है। ये बड़ी डिलीशियस वेजिटेबल है, हम आप सबको इसीलिए ये बताना चाहते थे कि आप सबको पता चले कि ये सिंध में और स्पेशली लाड़काना डिवीज़न के इर्द गिर्द ये पाई जाने वाली एक वेजिटेबल है जो बहुत बड़ी मशहूर है। आप सबके तावन से और आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस वक्त स्टेटिस्टिकल ऑफिसर शोएब अली भुट्टो आपके सामने हैं, जिसके साथ टीम में एज ए कैमरामैन हमारे उबैदुल्ला जुनेजो साहब इन्यूमरेटर हैं। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।